तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो स्क्रिप्टिंग के बारे में। वीडियो चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे कोई वेब सीरीज़ हो, या कोई टीवी सीरियल हो, या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो हो, उसके लिए स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपने सही तरीके से स्क्रिप्टिंग की है वीडियो की, यानी कि वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आपने स्क्रिप्ट के थ्रू पहले से ही प्लान कर रखी है, और उसके बाद उस स्क्रिप्ट के मदद से आप वीडियो क्रिएट करते हैं, तो उससे आपकी वीडियो एक अलग ही तरीके की बनती है। एक बिना स्क्रिप्ट की वीडियो से वो काफ़ी ज़्यादा अलग आपको दिखाई देती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रिप्ट करते टाइम क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो ज़्यादा अच्छी बने, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है आपका वीडियो आधे में छोड़ के ना जाए, आपका पूरा वीडियो देखे। क्योंकि ऑडियंस को वीडियो में लास्ट तक बनाए रखने के लिए स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, यानी कि किस तरह से आपको स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो स्क्रिप्टिंग में सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका जो वीडियो है, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन आप स्टार्टिंग में देंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं, क्या चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको स्क्रिप्टिंग में स्टार्टिंग में यानी कि इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें लिख देनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप एक उपन्यास की तरह यानी कि एक नॉवेल की तरह लिखो और उसके बाद उस स्क्रिप्ट को याद करके कैमरे के सामने पढ़ दो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो की जो मेन टॉपिक है उनको ही कहीं पॉइंट कर लें, नोट कर लें, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे कि आप इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें बताने वाले हो। और जनरली बहुत सारे नए जो क्रिएटर होते हैं उनको मैंने देखा है कि वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलने लगते हैं कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और इस तरह से क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही आपकी जो ऑडियंस होती है, क्योंकि आप एक नए क्रिएटर हो, आपको लोग पहले से जानते नहीं है, तो जो भी व्यूअर्स आपके पास आते हैं वो वीडियो को स्किप कर देते हैं, डबल टैप करके 10 सेकेंड आगे भगा देते हैं या 20 सेकेंड आगे भगा देते हैं, जिससे कि आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो स्टार्टिंग में ही डाउन चले जाएगा। और यही सेम गलती मैं भी अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में करता था। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे भी मैं यही सब स्टार्टिंग में बोलता था कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में, मेरा नाम है दीपक। उसके बाद मैं बताता था कि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जो भी वीडियो का टॉपिक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जो भी व्यूअर्स आपके पास आएंगे वो नॉलेज लेने के आएंगे, ना कि आपके बारे में जानने के लिए। तो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये चीज़ खास ध्यान रखनी है। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी जो स्क्रिप्ट है आपको उसको इस तरह से डिवाइड करना है, यानी कि जो पूरी स्क्रिप्टिंग का जो मेन पार्ट है उसको इस तरह से डिवाइड करना है ताकि देखने वाले को, वीडियो देखने वाले को वो अच्छे से समझ में आ सके। तो स्क्रिप्ट के मेन पार्ट को लिखते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ बता रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की जो सबसे खास चीज़ें हैं वो आप सबसे लास्ट में बताइए, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें शुरू में ही बता देंगे तो आपका जो सस्पेंस था वीडियो का वो ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, और जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपकी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। तो जो मेन चीज़ें हैं वो आप बाद में बताइए, और उससे पहले आपको उस प्रोडक्ट की आम बातों को बताना है, जैसे कि उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, और अगर कोई स्पीकर का आप रिव्यू कर रहे हैं तो उसकी साउंड क्वालिटी क्या है। उसके बाद जाके आप उसके जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जो यूनिक फीचर्स हैं, उनको आप लास्ट में बता सकते हैं। उसके अलावा स्क्रिप्ट लिखते टाइम जो शब्दों का चुनाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी आदमी के माइंड को क्लिक कर सके तो उसके आपकी वीडियो पे बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा आप कुछ पंचलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के बीच में, जैसे कोई जोक क्रैक कर दिया तो उससे क्या होता है कि जो व्यूवर होता है उसका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और वो आपकी वीडियो को लास्ट तक भी देखता है। तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी वीडियो हो उसकी स्क्रिप्टिंग इस तरह से हो कि जब वीडियो बने तो वीडियो नॉलेज के साथ साथ उनको एंटरटेन भी करे आपके व्यूअर्स को, जिससे कि वो आपकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा देर टिके रहेंगे। अगर आप एक नॉर्मल सी स्क्रिप्ट लिखते हो जिसमें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो तो जो नॉलेज गेन करने आया है वो एक बारी के लिए तो आपका वीडियो देख लेगा, लेकिन वो आपके चैनल के साथ इतना ज़्यादा लॉयल नहीं हो पाएगा या आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो वीडियो देखेगा लेकिन आपको सब्सक्राइब करके नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जो आपकी वीडियो है वो नॉलेजेबल हो, साथ में एंटरटेनिंग भी हो, यानी कि किसी व्यूअर को बोर ना करे। उसके बाद जब आप मेन पार्ट ख़त्म कर देते हैं स्क्रिप्टिंग का, उसके बाद होता है आउट्रो, यानी कि जब आप वीडियो ख़त्म करने वाले होंगे उस टाइम पर आपको क्या क्या वीडियो में बोलना है। आप चाहें तो अपने
व्यूवर्स को ये बोल सकते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके अलावा आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई और वीडियो अपने चैनल पर डाली है तो उस वीडियो को भी आप एंड स्क्रीन पर लगा सकते हैं और अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं कि अगर आप इससे रिलेटेड ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर इस वीडियो पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको स्क्रिप्टिंग करते टाइम ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।